Hi guys, so today we'll talk about articles with adjectives. So the ka usage with adjectives. So adjectives hote kya hai basically? Adjectives are words which tell us the quality of nouns. तो आप लोगों ने सबने सुना होगा तीन डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव्स की. गुड, बेटर एंड बेस्ट. इसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. नाउ सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोगों का वो है कि आर्टिकल सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ हमेशा यूज होंगे. व्हाई? बिकॉज बेस्ट, अगर मैं बोलता हूँ कि वो बेस्ट स्टूडेंट है, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है, उससे अच्छा और कोई नहीं है. तो कितने हो सकते हैं बेस्ट स्टूडेंट्स? एक, राइट? सो दिस वर्ड और सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी मेक्स द नाउन स्पेसिफिक. और जो भी चीज़ स्पेसिफिक हो जाती है, जो हमें पता चल जाता है, उसके साथ क्या लगता है? द. सो हमारा पहला पॉइंट क्या है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ? वी ऑलवेज यूज द. He is the, for example, he is the tallest boy. She is the most beautiful girl. He is the best student and so on. So, he is the tallest boy, she is the most beautiful girl. तो जब हम superlative degrees की बात करेंगे तो हम हमेशा क्या लगाएंगे? The लगाएंगे. ये तो this is an easy part. अब बात करते हैं थोड़े से मुश्किल पार्ट्स की. तो सेकेंड यूसेज ऑफ आर्टिकल जो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, जो एग्जाम्स में ज़्यादा आता है, दैट इज़ आर्टिकल्स विद कंपैरेटिव. सो नॉर्मली अगर मैं बोलता हूँ बेटर, वो मुझसे बेटर है, ही इज़ बेटर देन मी, सो हमारे को द लगाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन कुछ तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं कि हम कंपैरेटिव में द लगा दें. तो फर्स्ट पॉइंट फॉर कंपैरेटिव इज़ जब हम ऑफ यूज करते हैं. सो हमारे दो तरीके के सेंटेंस बनते हैं. ही इज बेटर दैन मी. अब यहां पे बेटर लिखा है, आगे दैन लिखा है, तो वी कैन नॉट यूज द वर्ड द और आर्टिकल द. बट जैसे ही मैं ऑफ लिखता हूं, ही इज द बेटर ऑफ द टू. द मोमेंट आई यूज द वर्ड ऑफ, आपको द लगाना पड़ता है. तो अब एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन केवल आर्टिकल्स का नहीं है, ये क्वेश्चन प्रपोजिशन का हो सकता है, आर्टिकल का हो सकता है, कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, उसने द बेटर दिया और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक लिख दिया. अब यहाँ पे वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन देगा ऑफ, दैन, कोई और ऑप्शन, दो ऑप्शन और दे देगा. क्योंकि अब यहाँ पे द लगा हुआ है तो आपका आंसर दैन नहीं होगा, आपका आंसर ऑफ होगा. तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, बेटर दैन. तो बेटर देन बोलने की हमें आदत होती है, लेकिन द पॉइंट इज जैसे ही हम लोगों ने द लिखा, वैसे ही हमारे को यहाँ पे ऑफ लिखना पड़ेगा. अगर यहाँ ऑफ लिखा तो हमारे को यहाँ पे द लिखना पड़ेगा. दिस इज आर फर्स्ट यूसेज ऑफ आर्टिकल्स विद कंपैरेटिव डिग्रीज. अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ ऑफ लिखा हुआ है तो हम आगे द लगाते हैं. सेकेंड यूसेज जो होता है कंपैरेटिव डिग्री का, वो होता है जब हमारी दो कंपैरेटिव डिग्री इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, तो आई एम यूजिंग टू कंपैरेटिव डिग्रीज, सो फिर दोनों के साथ द लगेगा. सो व्हेन वी यूज टू कंपैरेटिव डिग्रीज, द मोर यू स्टडी द बेटर यू बिकम. सो वैन वी यूज टू कंपेरेटिव डिग्रीज टुगेदर, जो या तो इन्वर्सली या डायरेक्टली प्रपोर्शनल हो. इन्वर्सली प्रपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, डायरेक्टली प्रपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा. सो इस केस में हम दोनों के साथ क्या लगाते हैं? द लगाते हैं. दैट इज आर सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट जो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज जब हम दो नाउन साथ में यूज करते हैं. सो द फर्स्ट नाउन बिकम्स एन एडजेक्टिव. And now it does not matter कि ये नाम है क्या है, इसके साथ हमेशा द लगेगा. For example, history is a difficult subject and the
history of India. तो जैसे मैंने history of India लिखा, this is इस history से पहले the लगेगा. जैसे मैंने the English language, तो ये language जो है, ये English जो है, ये language की quality बता रहा है, तो मैं the use कर सकता हूँ. This is a point three. So this is all about articles. ये पिछली चार classes plus this class we've just discussed articles. अब next class में हम लोग थोड़े से question papers या questions अपलोड करेंगे एंड वील डिस्कस दैम सो दैट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाएं. सो वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास विच वुड हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. थैंक यू.